ये लो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। सुबह से बहुत सारा काम था, वो गई क्लास से आई स्पर्श को लेके, फिर अभी स्पर्श को रेडी करा दी हूँ, दरवाजे के पास खड़ा है। मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर, गेट टुगेदर है बिकॉज वो यहाँ से जा रही है। बहुत इमोशनल मोमेंट रहेगा, क्या ही कहें हम, अच्छा नहीं लग रहा है। सब एक एक करके सारे फ्रेंड्स हम लोग ने इधर उधर हो गए। खैर वो तो जा रही है यहाँ से, लेकिन हम मैं यहाँ के लिए जाऊँगी। चल रही हूँ स्पर्श, मैंने इसके लिए गिफ्ट ले लिया था, गिफ्ट उसको दे दी हूँ, पार्थ को देने के लिए लेके जा रही हूँ मैं। क्या बोलेगा स्पर्श? पार्थ ये लो तुम्हारे लिए, है ना। पार्थ जा रहा है ना यहाँ से, अब हम लोग पार्थ के घर नहीं आएंगे। दरवाजा खोला, चला जाओ। एसी देखो निकल गया है, जाने की तैयारी हो रही है। आपको जीप दी दिखाना, वाओ कितना सुंदर जीप है, ट्रांसपेरेंट वाला। हाँ कितना सुंदर जीप है स्पर्श का, खुश हो गया? क्यों ना इसमें कैमरे में दिखाना, ये करके दिखा। ये है मेरा गिफ्ट, तो मैं अभी जा रही हूँ उसको खोलने, इसके अंदर क्या है। और आप लोग सोचो कि मैंने क्या दिया, मैंने कुछ नहीं दिखाया। हाँ मैं आप लोगों से नहीं दिखाई थी, बट मैं पार्थ के लिए लेके गई थी गिफ्ट, और गरिमा के लिए मैंने एड्रेस कल ही दे दिया था। कल उधर मैं गई थी ना, कुछ सामान लेना था तो आ गया था। तो ट्राई देखो हमारा कुछ नहीं रहता है कि हम छुपा के दें या फिर भी, तो मैंने बोला ना कि ट्राई कर लो, अगर ज़्यादा लूज़ हुआ मैं फिर रिटर्न कर दूँगी, फिर तुम जहाँ जाओगी वहाँ मैं तुमको भिजवा दूँगी वहाँ पे। तो मैंने दे दिया, तो उसको बहुत फिट आया था। आप लोगों ने मेरे को एक ड्रेस देखा होगा जो मैं 100K में कट की हूँ, वो वाला ड्रेस मैंने उसको दिया, बहुत परफेक्ट आया उसके में। चलिए गिफ्ट ओपन कर लेती हूँ। ये क्या है भाई, ये क्या है? हाय गाइस, तो शाम का टाइम हो चुका है और मैं अभी पैकिंग करने में लगी हुई थी। यहाँ पे है मेरे सारे कपड़े, और सबसे पहले मैं दिखा दूँ हल्दी के लिए, मैंने हल्दी फंक्शन मतलब मटकोर के लिए दोनों के लिए मैंने एक ही साड़ी लेके जा रही हूँ, क्योंकि लगेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बैग ही हमें रखना है, ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, लेकिन लास्ट अभी कल हमें निकलना है, तो जब तक निकलो नहीं ना तब तक पैकिंग होती ही रहती है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ हल्दी के लिए मैंने कौन सी साड़ी ली है। उसका ब्लाउज भी मैंने बहुत अच्छे से स्टिच करवा लिया है। ये मैंने येलो साड़ी ली है हल्दी के लिए। अभी बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैशी दिखेगा क्योंकि इतना सारा काम है, काम ही खत्म नहीं हो रहा है, एंड अभी मैं भी बहुत टाइट दिख रही हूँगी। यहाँ पे जो मैं ब्लाउज स्टिच करवाई हूँ ना इस साड़ी का, मुझे मतलब थोड़ा सा यूनिक स्टाइल इसलिए करवाई हूँ क्योंकि मैंने येल्लो से डिफरेंट मैंने इसमें कुछ लगवा लिया है। ये जो इसका ब्लाउज स्टिच करवाई हूँ ये पूरा सिक्वेंस वाला है, थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा होगा। एंड यहाँ पे मैंने ना पोटली वाली डिजाइन बनवा ली है ग्रीन एंड रेड कलर में, स्लीव्स पे भी बनवा ली है मैंने। और इसके बैक साइड की जो डिजाइन है ना इसमें भी मैंने ये पोटली वाली डिजाइन बनवा ली है, इसलिए बनवा ली क्योंकि ऐसे कुछ रहता है ना तो बैंगल्स या फिर नेकलेस जो है वो मिक्स एंड मैच हो जाता है, या फिर कई बार हम ग्रीन कलर की साड़ी रहती है उसमें कुछ येल्लो रहता है, रेड कलर की साड़ी रहती है येल्लो एंड ग्रीन रहता है, तो मैं मिक्स एंड मैच करने के लिए मैंने इस टाइप के ब्लाउज ये वाला मैंने डिटेलिंग इसमें करवाई है ताकि किसी और के साथ भी ये मैं पहन सकूं। क्या हुआ स्पर्श? यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस पर्स को मैंने सॉक्स पहना लिया है। और इस साड़ी का बॉर्डर जो है मतलब अलग से मैंने कुछ भी नहीं करवाया, पता नहीं क्यों इसमें लाइट ज्यादा आ रही है। हाँ अब आप लोग को दिख रहा होगा ये पूरी अच्छी तरीके से, ये ब्लाउज आप लोग बताना कैसा स्टिच। मैंने इस बार कम से कम 8 से 9 ब्लाउज स्टिच करवाया, हालांकि ये मैंने शादी के लिए नहीं करवाया है, शादी के लिए तो मेरा बस तीन ब्लाउज स्टिच करवाना था, बाकी मैंने अलग से भी क्योंकि मेरे को वीडियोस वगैरह करने होते हैं ना तो फिर ब्लाउज पहनने होते हैं, मिक्स मैच करके ही पहनती हूँ ज्यादा, तो इसलिए मैंने अलग से स्टिच करवाए हैं। तो ये वाला इसका ब्लाउज है
एंड ये जो साड़ी है, ये साड़ी मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, ये मैंने मार्केट से ये वाली साड़ी ली है। मुझे बहुत पसंद आई, इस टाइप की लाइट वेट ही साड़ी, साड़ी तो और भी थी, बॉर्डर साड़ी थी, बहुत अच्छी साड़ियाँ थी, बट मुझे लाइट वेट साड़ी इसलिए चाहिए थी कि मैं आगे इसको यूज कर सकूं, और मुझे ऐसे फैब्रिक में ही साड़ी चाहिए थी जो एकदम कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं फोल्ड करके पल्लू नहीं ले पाती हूँ, मैं ज्यादा लेती हूँ तो ओपन करके ही पल्लू लेती हूँ। इसका ये देख सकते हो, ये जो इसका आंचल है ना, इस तरीके से थ्रेड वाली डिटेलिंग दी हुई है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। एंड जब मैं वहां पे डाल के देखी थी ना शॉप पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एकदम लाइट वेट ही मुझे चाहिए था, ज्यादा तड़क भड़क वाला मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये इसका बॉर्डर हो गया, बॉर्डर भी एकदम सिंपल सा सिक्वेंस वर्क वाला ही बॉर्डर दिया हुआ है। पूरी साड़ी ये शिफॉन की है, इस तरीके से कुछ शाइन करने वाली साड़ी है, एंड पूरी साड़ी ऐसी ओवरऑल पूरी ऐसी दी हुई है। ये दिखाती हूँ, ये देखो आप, पूरी साड़ी ऐसे दी हुई है, ये रहा, दिखा देती हूँ, ये देखो आप, ये पूरी साड़ी ऐसी है, एंड इसमें मैंने फॉल वगैरह सब कुछ करवा लिया है। जब मैं लेके आई थी तब मैं इसलिए नहीं दिखा पाई थी, जिस दिन मैं लेके आई उसी दिन मैं जाके इसको फॉल पिको के लिए मैंने दे दिया था, और ब्लाउज भी स्टिच करने के लिए दे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं 6 से 7 दिन पहले ही वाली साड़ी ली हूँ। और जो मुझे मेहंदी में पहनना है वो भी मैं दिखाती हूँ। स्पर्श क्या हो रहा है, जो साड़ी मुझे मेहंदी में पहननी है वो साड़ी ये है, ये दिखाती हूँ, ग्रीन कलर की साड़ी है, इसका आंचल है, एंड साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है, ये मेरी फेवरेट साड़ी है, एंड इसका फैब्रिक, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, डालती हूँ तो बहुत सही लगता है मेरे को डालने में, और हैवी भी नहीं है, ज्यादा तड़क भड़क भी नहीं है, इस टाइप की सिंपल शोवर साड़ियाँ मुझे पसंद है। तो आप इसका वर्क भी देखना, बहुत सुंदर सा है। इसका ब्लाउज ना गोल्डन कलर का था, बट गोल्डन कलर का जो मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो उसको मैंने फिर हटा दिया। ये साड़ी बहुत सुंदर है, जब मैं डालूंगी ना तो आप लोग देखना। इसके साथ मैंने ना डिफरेंट ब्लाउज थोड़ा सा स्टिच करवाया है, ये इसमें का गोल्डन ब्लाउज था बट मैंने रेड स्टिच करवाया है, और रेड के साथ भी मैंने ऐसा ये जो है ना पैच वर्क मैंने करवाया है, पैच वर्क एकदम मैच कर रहा है उस साड़ी से। एंड ये जो फैब्रिक है ये सिल्क वाला फैब्रिक मैंने लिया है इस ब्लाउज के लिए, इसके ब्लाउज के लिए। एंड यहाँ पे जो समोसे वाला होता है ना, मतलब समोसे वाली जो लेस होती है, इसको क्या ट्रायंगल लेस बोल सकते हो आप, वो वाली मैंने लेस भी यहाँ पे लगवाई है दोनों स्लीव्स पे। एंड यहाँ पे एक स्लीव्स पे मैंने ये जिधर दिखेगा, क्योंकि मैं पल्लू ज्यादा इधर से ही लेती हूँ तो इस साइड ही शो होगा, तो मैंने ये वाला पूरा ऐसे लगवा लिया, ये पैच वाला डिजाइन, और उसके बाद बैक साइड भी मैंने ऐसे लगवा लिया। इसका बैक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इस साइड ये लेस लगी हुई है, इस साइड ये पैच वर्क जो पैच वाले जो क्या इसको बोल सकते हैं, तो ये मैंने बैक साइड, और मुझे इसमें लटकन लगवाना पड़ा है क्योंकि इसका जो स्लीव्स है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ऐसे नीचे गिर रहा था, तो मैंने इसको बाद में बोल के ये लटकन इसमें मैंने लगवाया है, ये आप देख सकते हो। लटकन भी मुझे सिंपल सा, वैसे मैं ब्लाउज में बहुत कम लटकन लगवाती हूँ, लहंगे वाले में ज्यादा, लहंगा भी मेरा स्टिच होके नहीं आया, शाम को मैं जाऊंगी लेके आने के लिए, फिर मैं आपको कल वाले ब्लॉग्स में दिखा दूंगी। ये इसका ब्लाउज है, बताना कैसा ये डिजाइन स्टिच हुआ है, और बहुत सारी शॉपिंग अभी भी मैंने करी है। चलिए अभी चलती हूँ थोड़ी देर। तो गाइज अभी मेरा प्रॉब्लम ये था कि इंस्टाग्राम में मेरी प्रॉब्लम आ गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ 3 से 4 दिन से। मोबाइल मैंने क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का जो रील होता है वो मैं ज़्यादा आईफोन में ही बनाती हूँ, तो उसमें क्या था उसको फिर फॉर्मेट करना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और पता है एंड्रॉयड फ़ोन को फॉर्मेट करना ईजी है बट आईफोन में बहुत मतलब दिक्कत होती है, ये वो बहुत सारे ऐप जो हैं वो काम नहीं करते हैं, हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मोबाइल तो मैंने रात में फॉर्मेट कर दिया था, मैंने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया, ये वो जो भी करना था उसमें डालना था, लेकिन उसके बाद जो मैंने उसमें की फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो मैंने लैपटॉप में रखी थी ना, फिर वो मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा था, तो वही काम मैं इस टाइम पे अभी बैठे बैठे कर रही हूँ। गाइस अभी हेयर स्पा के लिए मैं आ गई हूँ, और यहाँ स्पा भी कराने आई हूँ, बाकी बहुत सारा काम था कि मैं वीडियो ही नहीं शूट कर रही हूँ, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा अभी ब्लॉग शुरू करते हैं। बस हेयर स्पा ही कराना है मुझे, बाकी पेडिक्योर वगैरह सब मैं घर पर अपना की हूँ और कुछ नहीं कराई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को पता है कि मेरे फेस पे वो निकल गए थे ना, पिंपल्स वगैरह निकल गए थे, तो इसलिए मैंने थ्रेडिंग वगैरह करा लिया, बाकी कुछ नहीं कराया, और क्योंकि मुझे ना इस बार डर था और शादी में भी जाना था तो इसलिए मैंने नहीं कराया। चलिए अभी शुरू करते हैं स्पर्स और ये दोनों, क्योंकि रात हो गई है ना, अभी 7:30 बजने वाला है, तो इसलिए मैं इनके साथ आई हूँ। इधर यहाँ पर स्पर्स बैठा हुआ है, इधर बाहर।
और मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि फिर मैं यहाँ पे पूछी कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कुछ ऐसा आप बता दो ताकि मेरे हेयर फॉल जो है वो कम हो जाए। तो उन्होंने कुछ बर्टिक ऐसे कुछ बताया था, बर्टिक करा लो आप, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है, मैं नाम भी सही से नहीं ले पा रही हूँ, मेरे लिए न्यू था वो चीज़। तो अभी तो मैं नहीं कराऊँगी लेकिन देखूँगी, इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं कि लग रहा है कि बस मैं अब तो गंजी ही हो जाऊँगी। और स्पा भी कराना ज़रूरी था, बहुत टाइम हो गए थे मुझे स्पा लिए हुए, तो इसलिए मैं करा रही हूँ। एंड बस हेयर वॉश अभी हो चुका है, उसके बाद जो भी बालों में लगाना है वो सब लगेगा, फिर वेट करना। और पता है सर्दियों में ये सब कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है, गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई बालों को कोई कुछ करता रहे ताकि हमें रिलीफ मिले। बट सर्दियों में बहुत ठंड लग रही थी और मैं स्वेटर तो पहन के आई थी बट स्वेटर उतारना पड़ा था। अभी जाऊँगी घर, तो घर जाके अभी मैं खाना बनाऊँगी और कल हमें निकलना है, तो मैं 3 से 4 दिन से ना रात रात जग के और फिर पैकिंग कर रही हूँ। मतलब ये चीज़ें हो जाती है ना कि मुझे इनका भी करना है, स्पर्श का भी करना है, मुझे खुद का भी करना है। और ऐसे नॉर्मल के लिए, मतलब नॉर्मल डेज में हम जाते हैं, शादी वादी नहीं रहती है तो इतना टेंशन नहीं रहता है, कपड़े रखो लेके निकल जाओ। बट अभी ना सोचना पड़ता है ये मैचिंग वो मैचिंग, उसमें टाइम लग जाता है। बस यहाँ पे अभी मेरे बालों में अभी क्रीम लग रहा है एंड उसके बाद अच्छे से मसाज होगा, देन थोड़ा वेट करूँगी, स्टीम लूँगी, ये सब करूँगी, उसके बाद फिर से हेयर वॉश होगा, फिर ड्राई होगा। ड्राई तो नहीं करवाऊँगी, मैं सोची हूँ पता है ड्राई और हेयर ड्रायर, क्रिम्पिंग या फिर ये होता है ना स्ट्रेटनर, ये सारे बालों में यूज़ करने से ना और बाल ख़राब ही होते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक जितना मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, बाल ख़राब होते ही होते हैं, जितना आप सिंपल रखो ना उतना सही है और हमारे बालों के लिए भी। तो भी बालों में मुझे स्टीम लेना था तो वो ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि ज़्यादा गरम गरम हो रहा है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर करवा लिया था इसको एंड वेट कर रही हूँ अभी कब टाइम निकल जाए, 10-15 मिनट तो लेना ही लेना है, बस ये वाला टाइम निकल जाए। स्पर्श को भी देखे जा रही थी, स्पर्श बैठ के हंस रहा है, सोच रहा है मम्मा के बालों में क्या हो रहा है ना, मम्मा के बालों में ये हो रहा है, मम्मा क्या कर रही है पता है, रही है हेयर वॉश। वाह, स्पर्श कर रहा हेयर वॉश, पापा बिजी हैं मोबाइल देखने में, एकदम मोबाइल छोड़ना नहीं चाहिए हाथ से। तो बस अभी चालू हो चुका है, स्टीम ले रही हूँ एंड उसके बाद फिर से हेयर वॉश। ठंडी भी लग रही है क्योंकि रात को कराने आई हूँ, स्पर्श को मैं छोड़ के कहाँ आती, इसीलिए ना मैं फिर करा नहीं पाई थी, अभी मैं घर आ रही हूँ।